है अंदर तक, तो वह जो करते हैं उसको एशन कर्म बोलते हैं, प्रोबिंग या एक्सप्लोरेशन। इसमें बोल रहे हैं कि शलाका द्वारा, शलाका शब्द यूज किया है, वो जो एशन यंत्र है, तो शलाका द्वारा नाड़ी व्रण आदि का पता लगाना, जो पाइलोनेडल साइनस होता है उससे हम ये करते हैं। इसका संस्कृत में बोला है एशिया नाड़िया सशल्याश व्रणा उन मार्गमनश्चये, मतलब जो ये ओपनिंग है नाड़ी व्रण वह कितना दूर तक डीपली उसका मतलब अंदर वो स्प्रेड हो गया है, वह देखने के लिए, वह मेजर करने के लिए एशन कर्म किया जाता है। उसके बाद में आहरण एक्सट्रैक्शन, आहरण का मतलब है कि बाहर खींच के निकालना, जैसे मूढ़ गर्भ वगैरह होता है, मतलब अगर डेड बॉडी है और गर्भाशय में है तो हमको क्या करना होगा कि आहरण करना होगा, मतलब उसको अंदर से खींच के निकालना होगा। यही कर्म आफ्टर डिलीवरी, जब डिलीवरी हो जाता है तो जो प्लासेंटा होता है उसको भी हम लोग खींच के निकालते हैं अंदर से, पूरा अच्छे से रब, मतलब अंदर से वो पकड़ के और अच्छे से निकालते हैं। तो यह जो प्रोसेस है इसको आहरण बोलते हैं, मतलब अंदर से निकालना, एक्सट्रैक्शन करना, इसको आहरण बोलते हैं। जैसे संस्कृत में बता रहे हैं कि आहार्या शर्करा स्त्रिस्रो दंत कर्ण मलो अश्मरी, मतलब अगर हम लोग सर्जरी कर रहे हैं तो जो किडनी स्टोन है, अश्मरी है, उसको भी हम निकालते हैं अंदर से सर्जरी करके, या दांत भी है उसको आहरण करते हैं, तो अगर टूथ का एक्सट्रैक्शन करना है उसको भी अंदर से खींच के निकालना, इसको आहरण बोलते हैं। शल्यानि मूढ़ गर्भाश्च वर्चस्य निर्जितम बुधे, मतलब मूढ़ गर्भ भी अगर रहेगा तो मतलब डेड बॉडी जो मूढ़ गर्भ रहता है, आप लोगों ने देखा होगा डिफॉर्मिटी की वजह से जो बच्चा है वो अंदर ही अंदर मर जाता है, तो उसको मूढ़ गर्भ बोलते हैं, तो उसको अंदर से निकालना, इसको हम आहरण बोलते हैं। यह कर्म हो गया। फिर है विस्रावण, मतलब ड्रेनेज, जैसे एप्सेस हो गया या कोई भी ऐसा बड़ा व्रण शोक हो गया और जिसमें पस बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसको हमको ड्रेनेज करके, विस्रावण करके बाहर निकालना है। जैसे रक्त हो गया, लसीका हो गया, कुए हो गया, उसको बाहर निकालना, उसको बोलेंगे विस्रावण। श्राव्य विद्रय पंच भवेशु सर्वजावृते, यह एक कर्म हो गया। फिर है सीवन, सीवन कर्म का मतलब है, ये एट कर्म है, एट वाला सीवन का मतलब है कि सीना, सुचरिंग करना। तो सुचरिंग के बहुत सारे टाइप्स है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा कि सुचरिंग कैसा होना चाहिए, अलग अलग टाइप का सुश्रुत संहिता में सुचरिंग बताया है, सर्जिकल सुचरिंग क्या होता है, अलग अलग टाइप है। यही अभी आज मैं आयुर्वेद वाला पार्ट बता रहा हूँ, कल मैं मॉडर्न पार्ट बताऊंगा जो आप लोगों को मतलब पेपर में भी लिखने को काम आएगा और क्लिनिकल सर्जिक सर्जरी में भी इम्पोर्टेंट है ये सब। तो आज मैं और कंपैरेटिव स्टडी करेंगे हम लोग, और वो मैं इंग्लिश में कल पढ़ाऊंगा, तो आज हमें आयुर्वेद का पूरा पढ़ना है। तो जो सुचरिंग है यह भी अलग अलग टाइप का होता है, जो सिव्या मेद समुताश्च भिन्ना कुलिकिता गदा तद्वर्णाशय च चल संधि व्यपाशिता, मतलब जो ज्वाइंट में सर्जरी किया जाता है, या फिर सीजर किया जाता है, सीजरियन सेक्शन होता है, किसी ना किसी तरह से वो सर्जरी करने के बाद जो सीने का काम होता है उसको हम सीवन कर्म बोलते हैं। बागभट्ट ने और भी मतलब अष्टांग हृदय में और भी टाइप्स बताए हैं, तो उसमें उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण, दहन, यह भी अलग अलग कर्म बताए हैं। बागभट्ट वाला जो पार्ट है वो मैं कल बताऊंगा, कल या नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में बताऊंगा। और कुट्टन को प्रिकिंग, सुई द्वारा त्वचा में छेद करने को कुट्टन बोलते हैं। मंथन मतलब ड्रिलिंग करते हैं, मतलब मथते हुए, वह क्या प्रोसेस है वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और ग्रहण मतलब कैचिंग, पकड़ना। दहन मतलब यंत्र शस्त्र से जला देना, जो कॉटरी बोलते हैं आजकल, मतलब कोई भी जैसे सर्जरी कर दिया, सर्जरी करने के बाद वो अगर आर्टरी और वेन ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट रहता है कॉटरी का, उससे ना कॉटराइजेशन कर देते हैं, या गर्भाशय का अंदर का सर्विसाइटिस हो गया या कोई भी चीज हो गया जिससे वो ठीक नहीं हो रहा है सुचरिंग वगैरह करने से, तो कॉटरी मशीन को गर्म करें। गर्म होने के बाद इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक उसका सप्लाई रहता है, उससे वो गर्म हो जाता है और वो भाग को हम जला देते हैं। जल जाते हैं तो वहां फिर ब्लीडिंग वगैरह, पस आना वगैरह सब ठीक हो जाता है और परमानेंट वो क्योर हो जाते हैं वहां पे। तो इसको हम कॉटरी बोलते हैं, दहन कर्म बोलते हैं। अभी आप लोग को और मैं बता रहा हूँ कि ये जब सुश्रुत संहिता में ऐसा बताया है कि जब हमें अष्टविध कर्म करने हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट रखना है, उस टाइम पे क्या क्या रखा जाता था वह मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें ऐसे बोला है कि बिफोर सर्जरी हमें पूर्व कर्म के पहले ये सारी चीज रखना बहुत जरूरी होता है। तो पहले है यंत्र और शस्त्र। यंत्र और शस्त्र में आप लोगों को डिफरेंस मालूम होगा, यंत्र जो होता है स्वस्तिक यंत्र होता है, अलग अलग यंत्र बताए हैं,
वह मैं आप लोगों को अगर चाहेंगे तो मैं यंत्र के बारे में और शस्त्र के बारे में बताऊंगा। शस्त्र मतलब जो काटने पीटने के काम आता है, और यंत्र मतलब कुछ चीज पकड़ने के काम आता है। यंत्र और शस्त्र ये रखना है, फिर शार जो रहता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शार रखना है, फिर अग्नि रखना है, मतलब थोड़ा में आग की व्यवस्था हो वैसा रखना है, शलाका रखनी है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जो रहते हैं शलाका यंत्र वह रखना है, फिर श्रृंग रखना है, जो अलग अलग सिंग रहते थे जिसे ब्लड निकाला जाता था, वह आजकल कपिंग थेरेपी आ गया है या जलौका हो गया है, और श्रृंग मतलब एक कोई भी ये एनिमल का एक श्रृंग रखते थे पहले, जिसे हम लोग इम्प्योर ब्लड निकालते थे, श्रृंग रखना है, फिर जलौका रखना है। उस जमाने में लीचेस रखना बहुत जरूरी होता था। आजकल भी अमेरिका वगैरह में जो पता है सर्जरी कर होती रही है, न्यूरो हूँ। सर्जरी वगैरह होती है, तो वहां पे इम्प्योर ब्लड को निकालने के लिए लीचेस को लगा दिया जाता है, जो इम्प्योर ब्लड निकाल देता है तो फिर वो हीलिंग जल्दी हो जाता है। तो जलौका रखना चाहिए, फिर अलाबू, अलाबू एक इंस्ट्रूमेंट होता था वो रखने को बोला है, और पहले के जमाने में अलाबू था, आजकल कपिंग थेरेपी है, इस्लाम में कपिंग थेरेपी को बहुत अच्छा माना गया है और उससे सच में बहुत फायदा होता है। फिर जांबवाष्ट मतलब जामुन का जो लकड़ी होता है वह रखना जरूरी होता है, उससे क्या होता है वो कषाय रसात्मक होता है, तो जहां भी ब्लीडिंग हो रही है वहां पे वो जांबवाष्ट का पाउडर डाल देंगे तो उससे क्या होगा कि हील जल्दी हो जाएगा, वो स्कंदन करता है मतलब ब्लड क्लॉटिंग करता है और जल्दी से वो ब्लीडिंग जो है वो बंद हो जाएगा। फिर पिचू रखना है, पिचू मतलब कॉटन से ये घी में डिप किया हुआ पिचू रखना है, रुई रखना है, प्रोथ मतलब जो गॉज पीस होता है उसको प्रोथ बोला है, उस तरह का गॉज पीस रखना है, फिर सूत्र मतलब कुछ बांधने के लिए थ्रेड रखना है, सर्जिकल थ्रेड रखना है, जैसे सुचरिंग कर रहे हैं तो आजकल कैटगट या बाइक्रिल आता है, सुई में लगा के और या सुई उससे लगी ही रहती है, उससे हम सिलते हैं, सुचरिंग करते हैं, और उसमें भी कैसा होता है कि एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल, आप लोगों ने देखा होगा कि सर्जरी करने के बाद टाके निकालने के लिए जाते हैं लोग, तो बाइक्रिल जो होता है वो एनिमल कोई एनिमल के फाइबर से बनता है तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और कैटगट होता है वो फाइबर से बनता है तो उसके टाके निकालने के लिए जाना पड़ता है, तो जब वो चिपक जाएगा जो भी सर्जरी किया है, और सुचरिंग करने के बाद हमने छोड़ दिया तो वह चिपक जाता है, तो कैटगट जो लगा रहता है अलग अलग नंबर के आते हैं वह निकालना पड़ता है, और वाइक्रिल जो थ्रेड होता है वह एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर पत्ते, पहले के जमाने में पत्ते लगाते थे कि सर्जरी हो गया तो घी और मद से पूरा वहां लगा के, और उसके बाद में पत्ते लगाए जाते थे जो संधानीय गण के पत्ते होते थे, जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया, केला का हो गया, जैसे सर्जरी हो गया, फ्रैक्चर का सर्जरी हो गया, तो पहले के जमाने में सर्जरी होने के बाद ये घी में लगा के और केले के पत्ते बांध देते थे ताकि उसको प्रोटेक्शन रहे, तो उस तरह से अलग अलग पत्ते, फ्रेश पत्ते को लाना है, फिर पट लाना है मतलब लकड़ी का जो ऐसे बेंच टाइप होता है, बेंच नहीं लकड़ी का पट्टा होता है उसको पट बोलते हैं, फिर मधु मतलब पहले के जमाने में एंटीबायोटिक वगैरह नहीं होते थे तो जो हनी है हनी को ही लगाया जाता था, तो वो हनी रखने को बोला है, फिर घी बोला है, फिर एनिमल फैट चर्बी बोला है, दूध बोला है, तेल बोला है, फिर संतर्पण द्रव्य मतलब शक्तु और शीरादि मतलब आफ्टर सर्जरी बहुत ज्यादा वीकनेस होती है ब्लीडिंग होने के बाद, तो कुछ पीने के लिए ना लिक्विड दिया जाता था, तो उसको मतलब सत्तू जो सातू रहता है वह और दूध वगैरह जो रहता था जिससे नरिशमेंट मिले बल की प्राप्ति हो वैसा रखने को बोला था। फिर काढ़े और लेप की अलग अलग औषधियां मतलब बहुत सारे लेप लगाया जाता था और काढ़ा की औषधियां थी, फिर कल्क बना के रखा जाता था, चटनी जैसे बहुत सारे जैसे संधानीय गण के जो मेडिसिन है, या फिर जैसे आंवला हो गया, आंवले का कल्क बना के रख दिया, या फिर पीपल के पेड़ का रख दिया, जो भी चीज ना जल्दी हीलिंग करता है तो वैसे द्रव्यों का कल्क बना के रखने का। फिर पंखा मतलब पेशेंट को पंखा करने के लिए चाहिए गर्मी ना लगे, फिर ठंडा और गर्म पानी, गर्म पानी जो वॉश करना है इंस्ट्रूमेंट को और ठंडा पानी जो पीने के लिए देना है पेशेंट को, इस तरह का रखना है, और बड़े बड़े ना कढ़ाई में जो बॉयल कर सके तो कढ़ाई बड़ा बड़ा होना चाहिए, और जो ये थे मतलब नर्सेज और वार्ड बॉय वगैरह थे होते हैं आजकल, उस समय में असिस्टेंट के लिए बोला है कि स्थिर चित्त मतलब जिसका माइंड बहुत ही स्टेबल है, जो सर्जरी हो रहा है तो वो घबरा नहीं जा रहा है, या फिर जो बहुत ही डिसिप्लिन है और अनुरक्त है मतलब डॉक्टर जो मेन सर्जन है उसके लिए वो बहुत ही डिवोटेड है और पेशेंट के लिए भी वो डिवोटेड है, ऐसा नहीं कि सर्जरी हो रहा है और उसको हंसी आ रही है या वो मजाक उड़ा रहे हैं,
कोई भी पार्ट देख के, ऐसा नहीं, अनुरक्त होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए और बलवान होना चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट को उठाना है बिठाना है, अगर पेशेंट बहुत हैवी है तो उसको उठाने के लिए उसमें ताकत होनी चाहिए, ऐसा कमजोर नहीं होना चाहिए। ऐसे ना पहले वार्ड बॉय वगैरह और असिस्टेंट वगैरह ऐसे रखने को बुलाया है, उसके बाद में बोला है कि सर्जरी करना है तो हमें अच्छा टाइम डिसाइड करना है। तो पहले के जमाने में पंचांग देखा जाता था, तो पंचांग से तिथि अच्छा होना चाहिए, करण मुहूर्त और नक्षत्र। पहले के जमाने में नक्षत्र देख के ही सर्जरी किया जाता था, जैसे पुष्य नक्षत्र में करना है, फिर पूर्वा फागुनी में करना है, मूल नक्षत्र में करना है। 27 नक्षत्र जो है, अलग अलग स्टार्स का कॉन्स्टेलेशन हमारे पृथ्वी के ऊपर आता है, उस हिसाब से हम लोग मुहूर्त देखते हैं। अच्छा जो रहेगा, जो मतलब सर्जरी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, उस हिसाब से मुहूर्त देख के किया जाता था। फिर चावल रखा जाता था, चावल मतलब पूजा पाठ करने के लिए, फिर अन्नपान मतलब खाने पीने के लिए अच्छा कर दिया जाता था, फिर रत्न आदि से अग्नि को पहले हम लोग हवन करते थे, पहले सर्जरी के पहले हवन करना है कि कोई भी जो ग्रह बाधा है या निगेटिव एनर्जी है वह ना आ पाए, मतलब पेशेंट को वो तकलीफ ना दे, इसलिए हवन पूजा किया जाता था। फिर ब्राह्मण और वैद्य लोगों का प्रेयर किया जाता था, उनका पूजन किया जाता था। फिर उसके बाद में बलि दिया जाता था, बलि मतलब या तो कोई एनिमल का बलि दे देंगे या तिल तिल और चावल और कुछ धान्य का ऐसे मंत्र बोल के, और बलि दिया। बलि का मतलब है कि कोई चीज जैसे डिवोट करते हैं हम लोग, जो मतलब जैसे धनवंतरी भगवान को हम कुछ लोग कुछ चीज देते हैं, आजकल जैसे इस्लाम में कहते होता है कि कुर्बानी दिया जाता है बकरीद में, हम उनको डिवोट कर रहे हैं कि हमारा सबसे जो प्रिय चीज है हम डिवोट कर रहे हैं, और हम ऐसे प्रेयर करते हैं कि आप हमको मतलब अपना आशीर्वाद दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए, क्योंकि हम कुछ चीज आपको समर्पित कर रहे हैं। तो यह बलि बोला जाता था, बलि एनिमल का भी हो सकता है या तिल और चावल का भी हो सकता है। फिर मंगल वाचन करना, स्वस्ति वाचन करना, जो आप लोगों ने देखा होगा कि मंत्र वगैरह बोले जाते थे पहले, तो उससे क्या होता था, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती थी जो पेशेंट के माइंड को भी अच्छा करता था, और वहां पे ना निगेटिविटी सब चली जाती थी, तो वो किया जाता था। और इस्लाम में भी बिस्मिल्ला किया जाता है या कुछ ऐसे प्रेयर्स किए जाते हैं, तो उससे क्या होता है, निगेटिव एनर्जी सब चली जाती है, इसके लिए ऐसा किया जाता। फिर हल्का भोजन करा के सर्जरी को पूर्व की ओर मुंह करके, और फिर पेशेंट को कभी पूर्व की तरफ बिठाकर या हाथ पैर को उसको पकड़ के, पहले तो ये एनेस्थीसिया वगैरह नहीं होता था, तो पेशेंट को ऐसे पकड़ा के और फिर पश्चिम दिशा में मुख करके, डॉक्टर जो है वो पश्चिम दिशा में बैठेगा और जो पेशेंट है वो पूर्व दिशा की तरफ मुख करेगा, उसके ऑपोजिट वैद्य बैठेगा जो सर्जन है, और जितना भी सिराएं और धमनियां है मतलब आर्टरीज और वेन्स है उसको बचाते हुए, और अगर जैसे हमें पस निकालना है कोई जगह पे, जैसे डायबिटिक वुंड हो गया फॉर एग्जाम्पल, डायबिटिक वुंड से हमें पस निकालना है, तो फिर वो पस निकालने का काम ऐसा है। और लोम की दिशा मतलब जो जितने भी अपने लोम है, रोम ग्रंथि, रोम के बाल है, रोम कुप, उसके ऑपोजिट मतलब उसके डायरेक्शन में हमें कट करते हुए, और जो भी पस वगैरह है वो कट करते हमें बाहर निकालना है। और हमें क्या करना है कि अगर हमने कोई शस्त्र को प्रवेशित किया तो तुरंत बाहर निकाल देना है, ऐसे नहीं कि हम कांप रहे हैं, मतलब शस्त्र कर्म करने वाले जो डॉक्टर हैं उनका माइंड एकदम स्टेबल रहना चाहिए और घबराहट नहीं होनी चाहिए, इस तरह से वो शस्त्र कर्म किया जाता था। फिर क्या है कि अगर कोई भी चीज पक गया है, कोई व्रण बहुत ज्यादा पक गया है, तो दो अंगुल कितना होता है, कितना सेंटीमीटर होता है, 1 इंच तक, और या तीन अंगुल कितना हो गया, 4.5 इंच तक, इतना लंबा व्रण पे घाव करने को बोला है, मतलब एज पर कंडीशन जो भी वुंड होगा उस पे घाव करना है, और फिर वहां पे अंदर से जितना भी कचरा वगैरह पस वगैरह है उसको पूरा निकालना है। उसके बाद में ऐसा बताया है कि व्रण जो है उसके अलग अलग मेजरमेंट बताए, कोई दीर्घ होता है मतलब आयत होता है, दीर्घ होता है, कोई चौड़ा होता है, कोई सीधा होता है, कोई सुविभक्त होता है, मतलब एकदम उसका डायमेंशन है वो एकदम परफेक्ट रहता है। कभी कभी ऐसा दिखता है कि तीक्ष्ण शस्त्र से कटा हुआ है उस तरह से रहता है, और जहाँ पे त्वचा और मांस का बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है वहां पे, या कभी कभी उसमें पस नहीं होता है, कभी कभी पस होता है, कभी कभी पस नहीं होता है, तो ये अच्छे जो व्रण होते हैं उसके गुण बताए। और ऐसा बताया गया है कि अगर हमने उसको रेक्टेंगुलर किया, जो आयताकार हुआ, या विशाल डीपली हमने किया, या सुविभक्त अच्छे से कट किया,
और निराश रहे, मतलब बिना मेहनत के जो आराम से जल्दी जल्दी हम लोग कचरा निकाल रहे हैं, कूड़े निकाल रहे हैं, यह जो है और उचित समय पे जो परफेक्ट टाइमिंग के हिसाब से जितना सर्जरी में लगता है टाइमिंग उस हिसाब से जो किया तो व्रण चिकित्सा में वो सबसे अच्छा माना गया है। यह मतलब उस समय का मेथड बताया। और दूसरा बताया है कि ऑपरेशन करने वाला जो सर्जन है उसको क्या क्या होना चाहिए उसके पास, तो जो सर्जन है उसमें उत्साह रहना चाहिए, निर्भयता रहनी चाहिए, तो उसको सर्जरी करना है तो वो ना बहुत ही ज्यादा खुश रहना चाहिए, मतलब जॉयफुल रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि वो डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन में है और वो सर्जरी करेगा तो वो सर्जरी अच्छे से नहीं होगा, तो उसको उत्साहित रहना चाहिए। फिर निर्भयता, मतलब उसको सर्जरी कर रहे हैं तो उसको घबराहट नहीं होनी चाहिए। जब मैं फर्स्ट पीएमएस में था 1997 में, तो जैसे ही मेरे क्लास में डिसेक्शन शुरू हुआ, डिसेक्शन का एक कट किया तो देखते ही मेरे क्लास की सारी लड़कियां बेहोश हो गई, उनको सबको चक्कर आने लगे और किसी ने ब्लड देखा, जो डेड बॉडी का ब्लड है वो सब देखा तो उनको एकदम बेहोश हो गए। ऐसा निर्भयता रहनी चाहिए, मतलब ब्लड देख के या जो भी सर्जरी का प्रोसीजर हो रहा है उसको देख के डर नहीं लगना चाहिए। और फिर क्या है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, शस्त्रपात आदि क्रिया करते हैं, उसमें शीघ्रता होनी चाहिए, मतलब फास्ट करना चाहिए। जिसको बोलते हैं हाथ साफ होना, मतलब जैसे हम ड्राइविंग करते हैं तो हमारा ड्राइवर जो हम क्लच वगैरह सब करते हैं तो अच्छे से गाड़ी चलाते हैं, उसी तरह जो ये सर्जन होते हैं इनका हाथ इतना साफ होना चाहिए कि जो भी सर्जरी एकदम फास्ट फास्ट करें, ऐसा नहीं काट रहे हैं। जैसे वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में बताया कि वो संजय दत्त को बोलते हैं कि कट करो तो काट ही नहीं पा रहा, घबराहट हो रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको परफेक्टली कट करने आना चाहिए और टाइम कम लगना चाहिए। उसके बाद में शस्त्र का जो धार होता है, मतलब जो सर्जरी का जो नीडल होता है या सीजर होते हैं, जो भी आप लोगों ने देखा होगा डिसेक्शन में या आप लोग देखेंगे अभी सर्जिकल ऑपरेशन होंगे, तो जो सीजर वगैरह रहते हैं या इंस्ट्रूमेंट रहते हैं वो एकदम तीक्ष्ण होना चाहिए कि थोड़ा भी कट करें तो वो पूरा कट जाए। फिर शस्त्रक्रम करते समय जो डॉक्टर है, सर्जन है, उसको पसीना नहीं आना चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए, हार्ट बीट नहीं बढ़ना चाहिए और हाथ कांपने नहीं चाहिए कि वो कर रहे और कांप रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बड़े शस्त्र कर्म करते समय उसको मूर्छित नहीं होना है, मतलब अनकॉन्शियस नहीं होना है, घबराहट होके ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका दिल स्ट्रांग रहना चाहिए। उसके बाद ये जो भी है, ये जो सर्जन है उसका जो मतलब ये है, मतलब वो बोल्ड होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए, ऐसा सर्जन होना चाहिए। दूसरा है कि अगर कोई व्रण है उसमें हम लोग उसकी शुद्धि नहीं हो रही है, उसका पस वगैरह नहीं निकाल रहे हैं तो, और कुए वगैरह जो है जो पस है वो अच्छे से नहीं निकल रहा है, तो क्या करना है कि बीच में या साइड में एक और व्रण कर ले और वहां से वो पास करके ऐसे प्रेस करके और जो पूरा पस वगैरह निकालें, अगर वो ओरिजिनल में नहीं निकल पा रहा है तो साइड में से कट करना है, वहां से व्रण करके और फिर पस को निकालना चाहिए। उसके बाद में ऐसा बोल रहे हैं कि जिस जिस स्थान पे दोष है, पुए है, जहां जहां पे पस अंदर ही अंदर चला गया है, जैसे साइनस वगैरह रहते हैं नाड़ी व्रण उसमें है और उसमें उभार है, तो वहां वहां पे हमें पस को निकलना चाहिए ताकि वह गंभीर धातु मतलब रस में, रक्त में, मांस में, अस्थि तक वह न जाए, हमें पूरी तरह से पस को निकलना जरूरी है। फिर अगर ऐसा बोल रहे हैं कि आईब्रो की इधर हमें सर्जरी करना है, यहाँ पे अगर कुछ ऐसा जख्म वगैरह हो गया है, एब्सेस हो गया है या फिर गले में हो गया है, शंख प्रदेश में हो गया है, मतलब टेम्पोरल रीजन में हो गया है, आंखों के पलकों में हो गया है, यहाँ पे हो गया है, या होठों में हो गया है, या मसूड़ों में हो गया है, या एक्जिला में हो गया है, कोई ऐसे वुंड हो गया है या एब्सेस हो गया है, या पेट में हो गया है, या उरु संधि में हो गया है, वंक्षण में हो गया है, जो हिप एंड हिप ज्वाइंट है वहां पे हो गया है, तो हमें वहां पे तिरछा ऑब्लिक ही कट लेना है और सीधा नहीं लेना है, ऑब्लिक लेना है। कल मैं आप लोगों को मॉडर्न सर्जरी बताऊंगा इसी से पैरेलल, तब मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा कि वहां पे ऑब्लिक कट लेना है। फिर उसके बाद में है कि बुद्धिमान वैद्य जो है, जो सर्जन है, हाथ और पैर में अगर सर्जरी करना है तो चंद्रमंडल मतलब जो चंद्रमा होता है उस तरह से गोल राउंड ऐसा हमें छेदन करना है, राउंड करना है। अगर हमें पेनिस पे करना है, मेड्र में करना है, तो अर्ध चंद्राकार करना है, और दूसरी जगह करना है तो हमें पूरा गोल करना है, राउंड करना है। और पेनिस में करना है अगर वहां पे जैसे कुछ फाइमोसिस वगैरह हो गया वहां कट करना है तो हमें अर्ध चंद्राकार करना है। ये ना पुराने जमाने का जो है सुश्रुत संहिता में उस तरह का बताया, यही चीज हम मॉडर्न सर्जरी में देखते हैं, तो यही चीज
लव एंड बेली का जो बुक है, या दास, डॉक्टर दास का जो क्लिनिकल सर्जरी का जो बुक है, उसमें भी यही सारे मेथड बताए हैं, ऑपरेटिव प्रोसीजर्स बताए हैं, वह सब मैं कल बताने वाला हूँ। और बता रहे हैं कि अगर हमने उपरोक्त विधि के अनुसार अगर चीरा नहीं लगाए तो वहां स्नायु जो लिगामेंट और टेंडन है उसको छेदन करने की संभावना रहती है, मतलब वहां भी कट हो जाते हैं। मेरे प्रैक्टिस में एक पेशेंट आए थे जिनको लंबर स्पॉन्डिलाइसिस था, तो उनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करते टाइम क्या हुआ कि जितने भी स्पाइनल नर्व थे वह भी कट हो गए, क्योंकि वहां जो सर्जन थे वो एमएस कर रहे थे, पढ़ने वाले थे, वो इतने एक्सपीरियंस नहीं थे, तो नॉर्मल स्पाइनल कट भी नर्व हो गया, कट हो गया, नर्व भी कट हो गया, तो उनको फिर सर्जरी करा के भेज दिया गया। लेकिन दोनों पैर जो थे वो पूरा पैरालाइज्ड हो गए, तो डॉक्टर्स ने कहा कि अब तो नहीं हो सकता क्योंकि आपका कट हो गया है, तो वो चल फिर भी नहीं पा रहे थे। इस तरह से गलती नहीं करना है। मैंने बाद में आयुर्वेद की चिकित्सा दिया उसको, बस्ती पंचकर्म वगैरह दिया, स्वर्ण कल्प दिया, तो फिर मैंने उसको ठीक किया। लेकिन ऐसा हमें नहीं होना चाहिए कि हमें करना है कुछ और हो रहा है कुछ और, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अगर स्नायु का छेदन वगैरह हो गया तो बहुत ज्यादा पेन होता है, पेनफुल हो जाता है, और उसका जो व्रण रहता है, जो भी जख्म रहता है, वो बहुत देर से भरता है और मांस की गांठ बन जाती है, तो इस तरह से कॉम्प्लिकेशन होने का डर रहता है। तो जो भी अष्टविध शस्त्रकर्म है, शस्त्रकर्म क्या होते हैं, छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐषण, आहरण, अभिश्रावण और सीवन, यह जो है इसके आप नोट्स बना लीजिए जो भी मैंने बताया। और बता रहे हैं कि हमें ना जैसे मूढ़गर्भ का सर्जरी करना है, मतलब बच्चा मर गया है अंदर, उसको हम मूढ़गर्भ बोलते हैं, बच्चा मर गया है, या फिर अलग अलग लाइज रहते हैं, जैसे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन रहते हैं, वर्टेक्स तो नॉर्मल रहते हैं, अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन हुआ, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये सब गायनेक में, ब्रीच प्रेजेंटेशन हो गया, हेड मतलब हैंड प्रेजेंटेशन हो गया, लेग प्रेजेंटेशन हो गया, अलग अलग जो प्रेजेंटेशन रहते हैं उसको मूढ़गर्भ बोलते हैं, जिसमें बच्चा मर गया होता है, तो उसके वजह से मूढ़गर्भ को निकालना है, तो और या उदर रोग है, मतलब असाइटिस है, जलोदर है, अर्श रोग है, पाइल्स है, किडनी स्टोन है, पथरी या भगंदर है, मतलब जिसको फिस्टुला बोलते हैं, या मुख रोग है, मतलब माउथ के कोई भी डिजीज है, तो उसमें बिना कुछ हिलाए पिलाए ही शस्त्रकर्म करना है, नेल बाई माउथ, बिना कुछ हिलाए पिलाए ही हमें सर्जरी करना है, जैसे मॉडर्न में भी करते हैं, मॉडर्न सर्जन भी करते हैं कि एनवीएम रखते हैं, नील भाई माउथ, कुछ भी खाने को नहीं देते हैं 12 घंटा, और फिर उसका यूरिन पास करा देते हैं, और मोशन पास करने के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं, लैक्सेटिव देते हैं, जिससे उसका पेट क्लीन हो जाए, और तभी सर्जरी किया जाता है, और फिर सलाइन का ड्रिप लगा देते हैं। उसी तरह से यहाँ भी हमें एलोपैथी का ही यहाँ भी यूज किया है, मतलब दोनों सर्जरी देखेंगे, कंपेरेटिव स्टडी करेंगे तो दोनों ज्यादातर सेम ही है। उसके बाद में ऐसा बता रहे हैं कि अब ये पूर्व कर्म हो गया कि हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या क्या चीज रखना है, ये पूरा सर्जरी के बारे में बता दिया। अब ये बता रहे हैं कि हमें ना मेन सर्जरी करना है, सुश्रुत संहिता के हिसाब से, तो क्या क्या करना है कि व्रण से शस्त्र को निकालकर रोगी को शीतल जल से आश्वस्त करके, शांति करके, अंगुलियों द्वारा व्रण को दबाकर कषाय वगैरह रस से उसको धो देना है। अब हमें क्या करना है कि जो भी व्रण है, व्रण को हमने कट किया, छेदन किया या भेदन किया, और वहां से जो पस वगैरह है वह सब निकाल दिया, और उसके बाद क्या करना है कि थोड़ा पानी, ठंडा पानी देना है या शरबत देना है, और फिर क्या करना है, मतलब पेशेंट को बीच बीच में हमें क्या करना है, सर्जरी के टाइम पे उसको प्यास लगती है, पहले के टाइम पे सलाइन वगैरह नहीं था, तो पानी पिला के, और फिर क्या करना है कि जो व्रण है उसमें जो संधानीय गण के कषाय है या नेब्रोदादी गण के कषाय है, उससे जो भी जख्म है उसको क्लीन करना है, धो धो के क्लीन करना है, क्योंकि पहले के जमाने में टैटोल या सेवलॉन या हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे केमिकल नहीं थे, तो उसमें काढ़ा ही होता था, जैसे हल्दी का काढ़ा हो गया, त्रिफला का काढ़ा हो गया, वो सब से ना प्रक्षालन करना है, अच्छे से क्लीन करने को बोला है। उसके बाद में शुद्ध वस्त्र लेना है, अच्छा कॉटन लेना है, और उसमें ना कषाय जल को ऐसे डिप करके, और उससे उसमें तिल का उसे क्लीन कर देना है पहले, और उसके बाद में तिल का कल्क डालना है, शहद डालना है, घी डालना है, और वो ऐसा होना चाहिए जो ज्यादा चिपचिपा ना हो, अति स्निग्ध ना हो, अति रुक्ष ना हो, बहुत ज्यादा ड्राई भी ना हो, और उसमें और क्या क्या डालना है, तो मिश्रगण जो बताया है उसमें अजगंधा, अजश्रृंगी, ऐसे संशोधन करने वाली औषधियों का उससे मिक्स किया हुआ जो वर्ती है, आप लोगों ने वर्ती कल्पना पढ़ा होगा, भेषज कल्पना में वर्ती जैसा बना के, और जहां भी सत्यव्रण है वहां पे औषधि वाला वर्ती रख देना है, और उसके बाद में मोटी कवलिका डालना है, मतलब गौज पीस जैसा कपड़ा डाल देना है,
और और उसके उसके बाद बाद में में वस्त्र वस्त्र पट्टे पट्टे से से बांधना बांधना है, है, वैसे वैसे पट्टी पट्टी से से पूरी पूरी तरह तरह से से बांध बांध देना देना है। है। और और उसके उसके बाद बाद क्या क्या करना करना है, है, वेदना वेदना हर हर दवाइयां दवाइयां हैं हैं और और जीवाणु जीवाणु नाशक, नाशक, मतलब मतलब ये ये लोग लोग को को मालूम मालूम था था कि कि बैक्टीरिया बैक्टीरिया होते होते हैं, हैं, वायरस वायरस होते होते हैं, हैं, तो तो जीवाणु जीवाणु नाशक नाशक औषधियां औषधियां हैं, हैं, उन उन द्रव्यों द्रव्यों की की धुनी धुनी देनी देनी है, है, मतलब मतलब धुआं धुआं निकाल निकाल के के और और देना देना है। है। उसमें उसमें क्या क्या आता आता है, है, तो तो अगरू अगरू आता आता है, है, देवदार देवदार आता आता है, है, चंदन चंदन आता आता है, है, तगर तगर आता आता है, है, जटामंसी जटामंसी आता आता है। है। ये ये सब सब का का जब जब धुआं धुआं देते देते हैं हैं तो तो वो वो क्या क्या करता करता है, है, एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक का का काम काम करता करता है है और और जल्दी जल्दी हीलिंग हीलिंग करने करने में में इफेक्ट इफेक्ट करता करता है। है। और और जो जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया वायरस वायरस है है वो वो सब सब आने आने नहीं नहीं देता। देता। नीम नीम का का अगर अगर लकड़ी लकड़ी को को भी भी जला जला दिया, दिया, कोयले कोयले का का ऐसे ऐसे कोई कोई सिंगड़ी सिंगड़ी में में ऐसे ऐसे करके करके और और जला जला के के उसका उसका धुआं धुआं दिया, दिया, गुगुल गुगुल का का दिया, दिया, साल साल निर्यास निर्यास का का दिया दिया या या नीम नीम का का दिया, दिया, तो तो वह वह सब सब क्या क्या करता करता है, है, वो वो हीलिंग हीलिंग जल्दी जल्दी करता करता है है और और बैक्टीरिया बैक्टीरिया वायरस वायरस नहीं नहीं आते आते हैं। हैं। और और रक्षोघ्न रक्षोघ्न मंत्र मंत्र से से हमें हमें क्या क्या करना करना है, है, व्रण व्रण की की रक्षा रक्षा करनी करनी है। है। मतलब मतलब कुछ 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 प्रेयर्स प्रेयर्स भी भी होते होते थे थे पहले, पहले वो वो मंत्र मंत्र भी भी करते करते हैं हैं तो तो फिर फिर बैक्टीरिया बैक्टीरिया वायरस वायरस नहीं नहीं आ आ पाते पाते हैं। हैं। और और बता बता रहे रहे हैं हैं तो तो गुगुल गुगुल लेना लेना है, है, अगर अगर लेना लेना है है जिसे जिसे अगरबत्ती अगरबत्ती बनता बनता है, है, राल राल लेना लेना है, है, बच्चा बच्चा श्वेत श्वेत तत्व तत्व लेना लेना है है और और नमक नमक लेना लेना है, है, नीम नीम के के पत्ते पत्ते लेना लेना है, है, इसको इसको घी घी में में मिक्स मिक्स करके करके और और इसको इसको धुआं धुआं बना बना के के और और वहां वहां पे पे धूपन धूपन संस्कार संस्कार करना करना है। है। इससे इससे फिर फिर क्या क्या होगा होगा कि कि रोगी रोगी के के हृदय हृदय मर्म मर्म स्थान स्थान इन इन सब सब में में क्या क्या होगा होगा कि कि रक्षा रक्षा होगी। होगी। और और क्या क्या करना करना है, है, तो तो जो जो घी घी बच बच गया गया है, है, जो जो हमने हमने ये ये धूपन धूपन संस्कार संस्कार किया, किया, उससे उससे जो जो घी घी बचा बचा है है उस उस घी घी में में क्या 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 है, है, तो तो गुगुल गुगुल है, है, अगरू अगरू है, है, राल राल है, है, बच्चा बच्चा है, है, श्वेत श्वेत तत्व तत्व है, है, उसका उसका कल कल घी घी में में मिक्स मिक्स है, है, वहां वहां सब सब लेके लेके हृदय हृदय आदि आदि जो जो मर्म मर्म प्रदेश प्रदेश है, है, हृदय हृदय हो हो गया, गया, किडनी किडनी हो हो गया, गया, लिवर लिवर हो हो गया, गया, ब्रेन ब्रेन हो हो गया, गया, वहां वहां पे पे मलना मलना है है ताकि ताकि उससे उससे ना ना उसको उसको प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन मिले मिले सारे सारे जितने जितने में में महामर्म महामर्म है। है। मेन मेन तीन तीन मर्म मर्म है, है, बस्ती 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 हृदय हृदय और और मस्तिष्क, मस्तिष्क, वहां वहां पे पे वो वो मालिश मालिश करने करने से से बहुत बहुत फायदा फायदा होता होता है। है। और और फिर फिर बता बता रहे रहे हैं हैं कि कि हमें हमें ठंडा ठंडा पानी पानी जो जो रहता रहता है, है, ठंडा ठंडा पानी पानी एक एक मटके मटके में में रखा रखा है, है, और और जब जब पेशेंट पेशेंट बेहोश बेहोश हो हो रहा रहा है है तो तो उसको उसको छिड़क छिड़क के के और और उसको उसको आगे आगे मतलब मतलब कॉन्शियस कॉन्शियस लाना लाना है। है। और और बोल बोल रहे रहे हैं हैं कि कि हम हम मंत्र मंत्र क्या 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 बोलना बोलना है, है, तो तो मंत्र मंत्र का का सुश्रुत सुश्रुत संहिता संहिता फिफ्थ फिफ्थ चैप्टर चैप्टर जो जो है है सूत्र सूत्र स्थान स्थान का, का, उसमें उसमें मंत्र मंत्र बताए बताए 20 से 32 नंबर का, का कि कि बहुत बहुत सारे सारे राक्षसों राक्षसों को को दूर दूर करने करने के के लिए लिए मैं मैं रक्षा रक्षा कर्म कर्म करूंगा, करूंगा, बहुत बहुत सारे सारे प्रेयर प्रेयर बताए। बताए। वो वो आप आप लोग लोग को को पढ़ना पढ़ना जरूरी जरूरी नहीं नहीं है है क्योंकि क्योंकि आजकल आजकल तो तो कोई कोई कर कर नहीं नहीं रहा रहा है। है। 33 नंबर का श्लोक है, उसमें प्रेयर क्या गया है कि व्याधि को नष्ट करने के लिए मैं मंत्र से ऐसे तुमको ऐसा प्रोटेक्शन दे रहा हूँ कि तुमको दीर्घ आयु की प्राप्ति हो, बहुत सारे ऐसे बताए। उसके बाद क्या बोला है कि मंत्र वगैरह कर दिया, सब प्रेयर्स वगैरह कर दिया। उसके बाद में उसको मतलब जो आईपीडी रहता है, इनवर्ट रूम जो रहता है, वहां पे उसको शिफ्ट कर देना है। और और खाना खाना पीना पीना जो जो है है वह वह स्वास्थ्यवर्धक स्वास्थ्यवर्धक नियमों नियमों का का उपयोग उपयोग करना करना है। है। मतलब मतलब उसको उसको सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठाना उठाना है, है, उसका उसका मलमूत्र मलमूत्र निष्क्रमण निष्क्रमण हो, हो, उसको उसको फिर फिर अमंडपिया अमंडपिया विलेटी विलेटी या या मटन मटन सूप सूप मासस मासस का का सूप सूप देना देना है है या या यूज यूज देना देना है। है। मतलब मतलब खाना खाना पीना पीना हल्का हल्का होना होना चाहिए, चाहिए, तेल तेल मिर्ची मिर्ची मसाला मसाला वाला वाला नहीं नहीं होना होना चाहिए। चाहिए। इस इस तरह तरह का का उसको उसको आईपीडी आईपीडी में में ले ले जाके जाके और और खाना खाना पीना पीना अच्छे अच्छे से से देना देना है। है। आजकल आजकल भी भी पेशेंट पेशेंट को को आफ्टर आफ्टर सर्जरी सर्जरी जो जो पश्चात पश्चात कर्म कर्म होता होता है, है, पोस्ट पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेटिव, वो वो पूरा पूरा प्रिकॉशन प्रिकॉशन लिया लिया जाता जाता है है कि कि उसको उसको कोई कोई भी भी इन्फेक्शन इन्फेक्शन ना ना हो हो और और क्लीन क्लीन जल्दी जल्दी हो, हो, वो वो पहले पहले के के जमाने जमाने में में भी भी है। है। उसके उसके बाद बाद में में 35 नंबर का35 नंबर का श्लोक श्लोक है, है, उसमें उसमें बता बता रहे रहे हैं हैं कि कि ये ये सब सब होने होने के के बाद बाद 3 दिन3 दिन का का जो जो व्रण व्रण बंधन बंधन है, है, मतलब मतलब जो जो भी भी बांधा बांधा हुआ हुआ है है सर्जरी सर्जरी करने करने के के बाद, बाद, वह वह सब सब निकाल निकाल देना देना है है और और कषाय कषाय से से धोना धोना है। है। आजकल आजकल क्या क्या होता होता है, है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड पेरोक्साइड से से धोते धोते हैं, हैं, सेवलॉन सेवलॉन से से डेटॉल डेटॉल से से धोते धोते हैं। हैं। पहले पहले के के जमाने जमाने में में क्या क्या था था कि कि काढ़े काढ़े से से जो जो मेडिसिन मेडिसिन जैसे जैसे हल्दी हल्दी का का गाढ़ा, गाढ़ा, त्रिफला त्रिफला का का गाढ़ा गाढ़ा या या संधानी संधानी गण गण के के गाढ़ा गाढ़ा से से उसको उसको पूरा पूरा क्लीन क्लीन किया किया जाता जाता था था और और उसके उसके बाद बाद में में फिर फिर से से नया नया वो वो ड्रेसिंग ड्रेसिंग किया किया जाता जाता था। था।
और हमें खाने पीने का जो है वह ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को ये है प्रणितोपासनीय अध्याय, उसमें ये बता रहे हैं कि जल्दी हीलिंग करने के लिए पहले के जमाने में क्या किया जाता था, तो आयुर्वेद में जो बताया वो आज भी हम लोग अपने प्रैक्टिस में करते हैं। तो जैसे अभिषंधी पदार्थ है, जैसे दही नहीं खाना है, नमक नहीं खाना है, केला नहीं खाना है, मतलब जो अभिषंध उत्पन्न करते हैं, जो ऊजिंग करते हैं और इन्फेक्शन ज्यादा करते हैं, जैसे दही वगैरह खाया आफ्टर सर्जरी तो वो हील जल्दी नहीं होता है। या मीठा डायबिटिक पेशेंट है और उसको शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा है तो हील नहीं होता, तो वो हमारा प्रिकॉशन होना जरूरी है। और दूसरा है कि आयुर्वेद में हम लोग बिफोर सर्जरी क्या करते हैं, अमृता कुकुल, केशर कुकुल, त्रिफला कुकुल या पेशेंट को दे देते हैं, या आफ्टर सर्जरी हम लोग ये एकेटी जो अमृता कुकुल, केशर कुकुल, त्रिफला कुकुल, गंधक रसायन, सूक्ष्म त्रिफला, यह सब जब दे देते हैं कोई भी चीज है ना जल्दी हील हो जाता है। यह सब चीज को ऐसा बता रहे हैं। फिर बता रहे हैं कि जो सर्जन है उनको क्या करना है कि मतलब अजीर्ण में खाना नहीं खाना है, तो अगर अजीर्ण में खाना खाएंगे तो वो हीलिंग जल्दी नहीं होगा। एक्सरसाइज नहीं करना है, फिर सेक्स नहीं करना है, स्त्री संभोग नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, भय में नहीं रहना है, एंग्जाइटी में नहीं रहना है, मतलब मेंटली एकदम खुश रहना है। उसके बाद में हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु में हमें 3 दिन के बाद वो जो ट्रेसिंग का जो पट्टी है वो खुलना है, और शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु में 2nd डे दूसरे दिन ही खुलना है। यह जो है इसे अगर हम करेंगे उसके बाद में रक्त मोक्षण अगर करना है तो रक्त ऐसा बोल रहे हैं कि हमें ना ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे बस परमिशन जल्दी हो, तो ऐसा जब करेंगे तो वो जल्दी हीलिंग हो जाता है। या मैंने शस्त्र कर्म बता दिया, मतलब पूर्व कर्म बताया और क्या क्या हमें सामग्री लेना है वो बताया, प्रधान कर्म बताया सुश्रुत के हिसाब से, और पश्चात कर्म पोस्ट ऑपरेटिव बताया। कल मैं इसी को और इलेबोरेट करूंगा, और मॉडर्न सर्जरी जो है वो मॉडर्न सर्जरी में क्या क्या सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है बेसिक वो मैं कल बताऊंगा। अभी आप लोग को कुछ क्वेरीज है तो पूछिए मुझसे, इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क मी। सर एनी औषधि एनेस्थेटिक के बारे में बोलिए। उस टाइम पे ऐसा था कि पहले तो मद्यपान कराया जाता था, और जो वनस्पतियां बताई हैं मतलब अपने संहिताओं में वो आजकल अवेलेबल है नहीं, तो वो मैं अभी बताऊंगा तो क्या यूज है। सत्तु कल्पना क्या होता है, सत्तु कल्पना जो है उसके 2 टाइप है। तो जो जौ होता है, आप लोगों ने नवरात्रि अभी किया, नवरात्रि में जो गेहूं के साथ में जो ये आता है यव आता है, उसको पीस के उसका जो पाउडर होता है मतलब आटा होता है उसको पानी में घोल के और मेडिसिन वगैरह डाल के वो जब देते हैं तो वो जल्दी हील करता है और लेखन कर्म करता है, तो वो सत्तू बोला जाता है। और नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो यूपी बिहार वगैरह में क्या करते हैं कि जो चना होता है चना को भून देते हैं और उसके बाद उसका जो उसको पीस देते हैं, और जो पाउडर होता है उसको सत्तू बोलते हैं, सात्तू बोलते हैं, मतलब वो बेसन जैसा ही होता है, चने के चने से बनाया हुआ, भून के बनाया हुआ वो सात्तू रहता है, वह भी एक है। और जो जौ से बनाया होता है वह भी है। ऐसे संहिताओं में 2-3 टाइप के सातु होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये बल देने वाला सातु होता है, इसका लापसी जैसा बनाते हैं बहुत टेस्टी, और उससे अगर पीते हैं तो जल्दी हीलिंग होता है, कषाय रसात्मक होता है तो जल्दी हील और हाई प्रोटीन रहते हो। और कुछ डाउट है तो पूछिए। पेपर में तो सर्जरी के पेपर में तो आप लोगों को यही चीज लिखना होगा जो मैंने बताया है, मतलब जो अष्ट कर्म बताए छेदन, भेदन, आरण, एशन, श्रावण, यही चीज लिखना है। तो आपको अगर नहीं समझा है, आप लोग सुश्रुत संहिता पढ़िए, अगर नहीं समझेगा तो मैं फिर से कल पढ़ा दूंगा। आप लोग मेरे से अगर काय चिकित्सा पढ़ना चाहते हैं या टीका वचन देना चाहते हैं, जैसे अष्टांग हृदय का पूरा टीका वचन, या आप लोगों को फॉर्मुलेशन चाहिए कोई कोई डिजीज में क्या मेडिसिन दे जिससे परफेक्ट रिजल्ट आए, तो मैं वो भी लेक्चर ले सकता हूँ। चरक संहिता अगर पढ़ना चाहते हैं कोई भी तो वो मैं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मेरा PhD हुआ है, 18 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है प्रैक्टिस का। जो भी चीज आपको पूछना है तो आप मुझे पूछिए, कोई भी चीज पूछिए मैं बताऊंगा। अगर गायनेक मॉडर्न पढ़ना है आपको, गायनेक पढ़ना है, ऑप पढ़ना है, सर्जरी पढ़ना है, ENT पढ़ना है, पंचकर्मा पढ़ना है, जो भी चीज पढ़ना है मॉडर्न आयुर्वेद, तो मैं आपको पढ़ाने को तैयार हूँ। चरक संहिता पढ़ाऊँ ठीक है, मैं डॉक्टर दीप्ति जी मैं आपको चरक संहिता पढ़ाऊंगा, मैं उसका टाइमिंग हम लोग फिक्स करेंगे।
शुभम जी के साथ इंद्रिय स्थान। अच्छा इंद्रिय स्थान जो है ना वो अरिष्ट सूचक है, मतलब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल बताऊंगा कि कोई पेशेंट का डेथ होने वाला है तो हमें ना इंद्रिय स्थान जब पढ़ते हैं, आप लोग क्या है एग्जाम में पढ़ने के लिए पढ़ देते हैं उतने चैप्टर, लेकिन समझ नहीं आता कि इंद्रिय स्थान में है क्या। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल बताऊंगा कि पेशेंट अगर 7 दिन में मरने वाला है तो उसका ना क्या क्या सिम्टम दिखते हैं। कफज पांडु आदि की चिकित्सा, चरक संहिता की टीका, मैं ना सब चीज पढ़ाने को तैयार हूँ। आप लोग बस मुझे बोलिए एक टाइम फिक्स कर देते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे कि सुबह 5 से 6 पढ़ना है या 4 से 5 ब्राह्म मुहूर्त में, आप एक टाइम फिक्स कर दीजिए, मैं वो एकदम स्टेप बाय स्टेप पूरे अच्छे से पढ़ाऊंगा। किसी को अगर हिंदी में समझने में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, अगर किसी को उर्दू में पढ़ना है तो उर्दू में पढ़ाऊंगा। जो लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं वो लैंग्वेज में मुझे बता दीजिए, ठीक है। अभी कुछ और क्वेश्चन होगा, क्वेरीज होगा तो आप लोग पूछिएगा। अभी कल कब लेक्चर करना है? बुद्धगम आश्वास करणम वत जलम स्तंभनीयानम, कैसे सर? हाँ जलम स्तंभनीयानम और उद्गम आश्वासकरम। अभी ये चीज में दो कॉन्ट्रोवर्सी है। उद्गम आश्वासकरम इसका मतलब है कि माइंड माइंड जो है घबराहट हो रही है, एंग्जाइटी है, तो हमें माइंड को अच्छा करना है, माइंड को काउंसलिंग करना है तो उदक दिया जाता है, पानी दिया जाता है। और जलम स्तंभनीयानम मतलब वहां पे हमें क्या करना है, स्तंभन शरीर का जो भी व्रण वगैरह है वहां पे हमें स्तंभन करना है। एक माइंड से रिलेटेड है और एक शरीर से रिलेटेड है। तो कोई भी चीज जो है वह क्या है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग यूज किया जाता है। जहर भी बताया, मतलब विष भी है, उदर रोग में बताया है विष का यूज, कम मात्रा में विष का यूज किया गया है। या हम लोग जो मेडिसिन बनाते हैं शेखर रस या उसमें क्या डालते हैं, धतूरा का बीज डालते हैं। जहर भी है लेकिन वो मेडिसिन के पर्पज से, कनकातव है धतूरा का वह भी क्या है, तो फिर वो मेडिसिन ही है, मतलब जहर का भी यूज अच्छे से किया है, डोज के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को कुछ और क्वेरीज होगा तो पूछिए। 1 घंटे का हो गया तो मैं लेक्चर बंद करता हूँ। क्या बोल रहे सर, उपाय विच कैन बी यूज्ड टुडे फॉर एनेस्थीसिया। तो आप लोग अगर एनेस्थीसिया पे लेक्चर चाहते हैं, मॉडर्न एनेस्थीसिया पे, तो मैं उसके एक लेक्चर ले लूंगा अच्छे से। और नोट चाहिए तो नोट भी सेंड कर दूंगा, आप लोग मेल आईडी देंगे तो मैं मेल कर दूंगा सारे नोट, आप लोग को समझा भी दूंगा डोज, स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या होता है, एपिडुरल एनेस्थीसिया क्या होता है, अलग अलग एनेस्थीसिया के टाइप क्या क्या केमिकल यूज किया जाता है, सब बता दूंगा आप लोगों को। अभी मैं लेक्चर बंद करता हूँ और उसके बाद में मुझे अभी दूसरे जगह दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेक्चर देना है। सर जिसको पहले कषायों से क्लीनिंग करते हैं, क्या क्वेश्चन क्या था फिर से पूछिए, दिख नहीं रहा क्वेश्चन। सर पहले कषायों से क्लीनिंग करते थे, अब डेटॉल बेटरीन यूज करते हैं, तो कषाय यूज अभी करे तो बेटर यूज है। हाँ जरूर है ना, अभी अगर कषाय का यूज करेंगे अभी तो अच्छा रिजल्ट आता है, व्रण धावन वगैरह करने के लिए बहुत अच्छा यूज होता है। मैं पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ, वेदन और श्रावण में डिफरेंस क्या है? अभी आपका जो भी क्वेश्चन है ना मैं उसका रिप्लाई व्हाट्सएप पे कर देता हूँ, आप लोग का एक व्हाट्सएप का ग्रुप बताइए, मैं वहां पे सब कर देता हूँ। और आप लोग को और कौन से टॉपिक पे लेक्चर चाहिए आप लोग मुझे बताइए, मैं लेक्चर देने को रेडी हूँ, ठीक है। मैं अभी जाता हूँ क्योंकि मेरा टाइम हो गया है, मुझे कहीं और लेक्चर देना है, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते।